अब हम इसी कोड को जो हमने किया इफ के जरिए, इफ और एल्स इफ के जरिए करने की कोशिश करेंगे। देखें इफ और एल्स इफ में करने में वेरिएशन क्या आता है। यूं समझें कि जैसे कि मैं आपसे कहूं, एग्जांपल लें कि मुझे पानी पिलाएं, आप एक गिलास पानी पिलाएं, फिर कहूं फिर मुझे पानी पिलाएं, फिर आप दूसरा गिलास पानी पिलाएं, फिर मैं आपसे कहूं फिर पानी पिलाएं, तो फिर आप मुझे तीसरा गिलास पानी पिलाएं। तो ये काम हो रहा ही है, टेस्ट एग्जिट, टेस्ट एग्जिट, टेस्ट एग्जिट। इसी चीज को अगर हम दूसरी एग्जांपल में कहें आपसे, यार ऐसा करना मुझे आप पानी पिलाएं, तो आपने कहा और अगर पानी नहीं हो तो जूस पिला दें, और अगर जूस ना हो तो मुझे आप मैंगो का जूस पिला दें, अगर वो भी ना हो तो फिर आप मुझे फलां चीज पिला दीजिएगा। तो इन सारी कमांड्स में एक ही बार टेस्ट होगा और कोई ना कोई एक डिसीजन पे आप काम करके आ जाएंगे। तो इस चीज को कैसे करेंगे, पहले हम स्टार्ट करेंगे इफ से और यहां पर फिर ऐड करते जाएंगे एल से। ठीक है, तो ये क्या हुआ, अब हमारा कोड हो गया कि भाई जैसे ही टेस्ट करने जाएगा पहले चेक करेगा कि देखो टोटल की वैल्यू ये है नहीं है, इसको स्किप कर देगा। ठीक है, फिर इधर आ जाएगा, फिर इसको चेक करेगा, देखो ये है नहीं है, इसको स्किप कर देगा, फिर देखेगा इसमें है हाँ है, तो ये परफॉर्म कर देगा और दो स्किप कर देगा। लेकिन जब प्रोग्राम मोड का मकसद ये हो जाएगा कि जब प्रोग्राम इन होगा कंडीशन चेक करने के लिए, तो ये सबको ही चेक करेगा, और जहां पे अगर दूसरे स्टेज पे ट्रू हो गया तो नीचे वाले छोड़ देगा, पहले स्टेज पे ट्रू हो गया तो इन दोनों को छोड़ देगा। इससे हमारा एग्जीक्यूशन टाइम इम्प्रूव हो जाएगा, और अलग अलग इफ करने में भले पहले में हो गया लेकिन नीचे वाले 2, 4, 6, 8, 10 सारे टेस्ट करेगा, इससे हमारा एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो स्लो हो जाता है। समझ में आई बात। अब रन करते के देखते हैं कोड को, चल पड़ा कोड, और आउटपुट आपका देखें क्या दे रहा है, सेम दे रहा है, सही काम कर रहा है, लेकिन प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो इम्प्रूव रहेगा इसके अंदर। समझ में आ गई बात ये।